हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के हो रहे 7:30 और मैं बना रही हूँ उनके लिए नाश्ता, टिफ़िन। तो आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो फिलहाल क्या बोलते हैं, मैं ना फटाफट इनका नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन फ़ायदा तो है नहीं इनका टिफ़िन देके, कल भी बेचारों के पास टाइम ही नहीं था, कल भी पूरा टिफ़िन ऐसे ही लेके आए थे सुबह से शाम तक, एक पानी की बोतल में एक घूंट तक पानी नहीं पी रखा था इन्होंने। पूरे रोटियां ऐसी ला रखी थी, रात को खाई हो, रात को भी क्या ही खाई क्योंकि खाना तो बना ही हुआ था ऑलरेडी। तो ऐसे सीन है आज भी। आज कल तो 14 अगस्त था फिर भी नहीं खा पाए, तो आज तो 15 अगस्त है, फिर भी दे दूंगी, क्या पता टाइम लगा गलती से। तो अब देना तो है ही है ना, बट ऐसे ही होता है जिस दिन त्यौहार होता है ना उस दिन इतनी भसड़ होती ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता कुछ भी खाने का पीने का, पानी तक पीने का टाइम नहीं लगा उनका बेचारे का पूरे टाइम। कल रात को वैसे भी इतनी लेट आए थे क्योंकि बुआ लोग भी लेट ही आए थे दिल्ली से, तो फिर हम अपने कमरे में आ गए थे, तो वो ये भी लगभग 10:30 बजे के करीब आए थे। तो ऐसे ही है, त्यौहार का दिन हो जाता है ना उस दिन तो बैंड बज जाती है स्टोर में, बहुत भयंकर वाली। और आज तो 15 अगस्त है तो वही वाला सीन हो जाएगा इनका। फिर तो अभी ये चले गए ड्यूटी, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, बस अब झाड़ू पोछा करना है क्योंकि यहाँ 4 दिन से झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हो रखा, किचन वैसे ही पड़ा हुआ, बर्तन बुर्तन ऐसे पड़े हुए। तो अभी सफाई करते हैं फटाफट से, फिर जरा बुआ के यहाँ जाते हैं, मिले नहीं ना तो मैं जा के आती हूँ वहाँ, थोड़ा क्या पता खाना भी वहीं खा लूँगा। तो अभी ये चले गए ड्यूटी और नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, बस झाड़ू पोछा रह रखा है और बर्तन वगैरह। तो क्योंकि झाड़ू पोछा 4 दिन से हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ हम आए ही नहीं, कल रात को ही आए खाना खा के, रात को आए बस। तो फिर अभी करते हैं साफ़ सफाई करते हैं जरा, इधर क्या कर रही होगी बुआ, दिल्ली से माल लिया क्योंकि पार्सल पे आया ना वो लेने जाना है। मेन चीज़ नमकीन मंगाई थी मैंने क्योंकि मेरे को नमकीन मिलती है ना बहुत अच्छी लगती है, तो पापा जब भी वहाँ से कुछ बोलते हैं ना क्या भेजना है, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि नमकीन ज़रूर भेज देना, बस कुछ भेजो ना भेजो पर नमकीन भेज देना। तो पापा ने वो अचार भी बनाया था, तो पापा ने अचार भी भेजा हुआ है, पापा इतना टेस्टी अचार बनाते ना, बहुत टेस्टी। पिछली बार पापा ने जब हम गाँव गए थे, पापा ने अचार बनाया था एक डब्बा, ज़्यादा नहीं बनाया था, एक ही डब्बा बनाया था, लेकिन वो हमने सिर्फ एक दिन या 2 दिन धूप में रखा था, वो हम ऐसे ही खा गए कच्चा, उसमें तेल भी नहीं डाला हुआ था, मतलब उस टाइम वो गला भी नहीं था, बट हमने वो ऐसे ही खा दिया था पूरा अचार। बहुत टेस्टी बनाते हैं पापा। तो चलो फिलहाल करते हैं काम धाम, करते फिर चलते हैं ना। 15 अगस्त है तो झंडा वगैरह सबने अपने अपने घरों में तो लगा ही रखा है, वो लोगों ने भी कब का लगा दिया था, सबने लगा रखा इधर मोहल्ले में, सबने अपने घरों में लगा रखा। बट क्या बोलते हैं, अभी स्कूल टाइम होता ना, तो स्कूल टाइम पे तो फंक्शन होता था, परेड वगैरह होती थी, हम बैचलरों के ग्राउंड में परेड करते थे ऊपर, मतलब वहाँ जाते थे स्कूल से ऊपर सड़क पे, फिर पूरी बैचलरों में घूम घूम के परेड करके फिर मतलब फिर फंक्शन वगैरह होता था, बड़ा मज़ा आता था यार। बट अब तो स्कूल गए, स्कूल के दिन भी गए, सब ऐसे ही अब बस इस वो स्टेटस वगैरह में ही देखते रहते परेड वगैरह का सीन है ना। चलो खैर कोई नहीं, तो मेरा ये पार्सल आ चुका है, लास्ट पार्सल जो मैंने मंगाया था बेबी शावर के लिए। तो इसमें प्रॉप्स हैं जो बेबी शावर में यूज़ होते हैं ना, वो प्रॉप्स हैं इसमें। जो बेबी शावर का मतलब मैं सामान मार्केट से लेके आई थी, और जो ऑनलाइन था ना वो बहुत सस्ता था, ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता था बजाय ऑफलाइन, मतलब जो मैंने मार्केट से जाके ख़रीदा ना मुझे थोड़ा महंगा पड़ा। और थोड़ा मैं एक गलती बताऊंगी मैं आपको, मैंने वो कर दी मेरे मतलब ले, अब ध्यान आया, जब मैं परसों ये खोल रही थी ना ये गुब्बारा उसके लिए फ़ोटोशूट के लिए रक्षाबंधन के लिए, उस दिन मुझे वो हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहा भाई यार ये तो गड़बड़ हो गई, बट चलो काम चलाना पड़ेगा, क्या कर सकते हो क्योंकि वापस तो कर नहीं सकते है ना, यही है। तो ये कुछ ऐसा है, इसमें लड़कियों के ज़्यादा है, लड़कों के बहुत कम है, बहुत कम तो नहीं है बट कम है लड़कों के, मतलब वो जो लड़की वाली साइड है, गर्ल्स वाली साइड है, उसमें ज़्यादा प्रॉप्स हैं। अभी काम धाम सब निपट चुका है, सब कुछ हो गया, अब मैं जाती हूँ बुआ के यहाँ, थोड़ा मिल के आती हूँ, जरा मिल के क्या ना मतलब टाइम पास करके आती हूँ, थोड़ा गप्पे मार के आती हूँ, इतने दिन से अकेले बोर हो गई ना मैं, अब थोड़ा छुई छाँ लगाई जाए जरा। चोर आ गए चोर, तू भी आ गया क्या, मुझे लगा तू वहीं है, तू तो रामनगर जा रहा था। अरे यार सोमवार का वो तो गए खत्म। अच्छा तो अभी मैं और रिंकी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, भंडारा खाने दुर्गा मंदिर में ना,
दुर्गा मंदिर में ही है ना? शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ पे है? उधर है, जहाँ घूमने नहीं जाते उधर। अच्छा, मुझे लगा मंदिर वहाँ है। शिव मंदिर। ओके, तो हम जा रहे हैं शिव मंदिर भंडारा खाने के लिए। बुआ लोग कब का पहुँच रखे? बुआ लोग, बुआ तो कब की चली गई थी ना। अब हम जा रहे हैं, हम जरा आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा घर से, वहीं खा के आ जाएंगे। कहाँ से जाना है, किधर से जाना है, तू मुझे लेने है। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर, यहीं से लेना है। यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है, पता नहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। भीड़ देख रहे, भीड़ भीड़ भीड़। मेरे को तो ये मिल गई, वरना मैं तो दुर्गा मंदिर जा रही थी। यार ये है मंदिर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना अच्छा सजा रखा ना मंदिर। अब यहाँ पे फाइनली भीड़ कम हुई है, देखो अभी तक कितनी भीड़ हो रही है। डेढ़ घंटे पहले आई थी बुआ, सबसे लास्ट में सीट मिल रही है उनको। ये देखो हम आ गए खा पी के, ये अब जा रहे। उसको नहीं बोला मैंने, मैंने तो उसको बोला नमस्ते बाप। अरे जी, से मैंने मकान लिया तो उसने बोला ले तो आए इसे भला बल रहा लीजिए। दिल्ली से मेरा सामान, ये तो मेरा है। इयररिंग, चौकर, बस तो ये बस तो अब मेरे काम आए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, इयररिंग्स भी होंगी इसके साथ, अच्छा लग रहा है। ये कुर्ती के साथ ना अच्छा लग। ये तेरा नमक मसाले, नमक मिर्च मसाले, ये देख मैं अपने लिए लाई। वैक्स, वैक्स, और ये वैक्स की चॉकलेट वाला पट्टी। हाँ, डार्क चॉकलेट। ये वैक्स की पट्टी है, सही मिल गया 100 रुपए में दोनों चीजें। हाँ, ये मैं मिल दिया जब दार के। ये नितिन की दाल, मेरा नितिन के लिए ना। और ये तेरा मेरा अचार, आधा वाला अचार उसको दे देना नितिन को। इतना भी आधा देना है क्या? इतना भी आधा देना, वन थोड़ा मैं दे दूंगी। और ये बैग है, बोलो तुमने कौन सा पसंद कर रखा है? छोटा दियो वैसा, छोटा है ये तो, मैंने बड़ा मंगाया था। चटपटी भी है ये नमकीन। क्या क्या क्या, ओ भाई। आ गई मम्मी, मम्मी कहाँ है? तो अभी हम जा रहे हैं झंडे के साथ फोटो खिंचाने के लिए, जो हमने सुबह से कुछ नहीं कर रखा। ये झंडा ताक तो रखा है लेकिन बहुत ऊपर है ना, इसमें फोटो नहीं आएगी। ये बरसात में ना ऐसे ही हो जाता है ये सारा। ये देखो तुम क्या हालत हो रखी है। हम उसके साथ भी खिंचवा सकते हैं, देखो पर इनका कलर निकल गया पूरे झंडे का, खराब हो गया। देखो हर घर तिरंगा, हर उधर देखो मसूरी बादल, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वो पूरा उधर सबके बड़े बड़े मेरा भारत महान में प्यार करन छू बोला सुना तो आला मत इंडिया मत बोलो विदेशी मत बनो स्वदेशी बनो इसलिए बोलो मेरा भारत महान में प्यार करन छू भारत है। ये देखो मिर्ची, और ये इतनी स्पाइसी मिर्ची है ना, बहुत खतरनाक वाली मिर्ची। ओ इसके अंदर चीटियां है। हम्म, सैनिटाइजर डाल दो।